निपुण सहगल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निपुण, इसी का इंतजार था कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक कमेटी बनाएगा जो निष्पक्ष जांच करेगी इस पूरे मामले की। निपुण, लगता है कि निपुण के साथ हमारा संपर्क इस वक्त नहीं हो पा रहा है फोन लाइन के जरिए। थोड़ी देर बाद अपने रिपोर्टर से इस खबर की पूरी जानकारी लेंगे, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का फैसला लिया है। ये कमेटी बना दी गई है और ये कमेटी देखेगी कि सुरक्षा में प्रधानमंत्री की आखिर क्या चूक हुई, कौन इसका जिम्मेदार है और भविष्य में भी क्या किया जाए। अगर हम प्रदेश सरकार की बात करें और केंद्र सरकार की बात करें तो दोनों ही इस मामले पर अड़े हुए थे अपने अपने पक्ष को लेकर कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की आखिर जिम्मेदारी क्या एसपीजी की होती है या फिर प्रदेश की पुलिस की होती है। तो जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी बना दी है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मामला और इस चूक में ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जिसमें जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी ये देखेगी कि आखिर चूक हुई कहां पर है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है और साथ ही ये भी तय होगा, ये भी निश्चित किया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की चीजें ना हो ताकि ऐसी सुरक्षा की चूक का मामला सामने ना आए। निपुण का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। निपुण, जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, क्या जानकारी इससे जुड़ी? और अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, बिल्कुल आपने सही जानकारी दी दर्शकों को, और एनआईए के डीजी या उनकी तरफ से नामित कोई अधिकारी इसका सदस्य होगा कमेटी का। पंजाब के एडीजीपी सिक्योरिटी भी इसके सदस्य होंगे। रजिस्ट्रार जनरल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जो है, जिनको रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए कहा गया था, उनको कहा गया है कि अब जस्टिस इंदु मल्होत्रा को वो सारे रिकॉर्ड सौंप दें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ये बहुत संवेदनशील मामला है और इसमें एक तरफा जांच नहीं हो सकती, यानी केंद्र सरकार या पंजाब सरकार जांच कराए तो वो शायद सही नहीं होगा, इसीलिए एक न्यायिक जांच की जरूरत है इस मामले में। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि भविष्य के लिए उपाय भी सुझाएगी ये कमेटी और ये तय करेगी कि इस जो चूक में ये चूक किस तरह से हुई और इसके लिए जिम्मेदार कौन था। और कमेटी को कोई समय सीमा नहीं दी गई है, ये कहा गया है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट देने का प्रयास करें। ठीक है निपुण, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इस कमेटी से जुड़े अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।